आगे बढ़े, हम कैसे सेवा करें, हमारे साथ लोग नहीं, हमारे पास टीम नहीं, अकेला व्यक्ति बूढ़ा 70 साल का कोई पहचान का नहीं था, इस मंत्र के दम पे गया और संसार को हिला दिया। और हमारे साथ तो कितना सब कुछ है, प्रभुपाद जी सब कुछ देके गए, तब ना ग्रंथ थे, तब ना स्कोन था, तब ना डिवोटीज थे, अकेले व्यक्ति जाकर ही सब कुछ कर सकता है। और आज तो हम सब प्रभुपाद जी की छत्र छाया में है, सब जानते हैं, तब तो कोई जानता नहीं था भक्ति को, कृष्ण को, कृष्ण कॉन्शियसनेस को। तो उसी भाव से हमको मंत्र जप करना चाहिए। और आज हम यहाँ पर जिस शास्त्र को स्थापित कर रहे हैं उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। तो क्या मुख्य बात है उस भगवत गीता की, आज ध्यान से सुनिएगा और क्वेश्चन भी मत कीजिएगा, तो हम आखिर में पूछेंगे। गीता क्या है? गीता को गीतो उपनिषद भी कहा जाता है। उपनिषद मतलब ये जैसे हमारे 108 उपनिषद हैं, उनमें एक मुख्य उपनिषद है और ये ज्ञान का अथाह सागर है। महाभारत के अंत में वेद व्यास जी लिखते हैं। वेद व्यास जी कौन है? जिन्होंने सारे शास्त्रों को लिखा है और एक बहुत ही विशाल ग्रंथ महाभारत को लिखने के अंत में वे कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्यम किमन्य शास्त्र विस्तरे, एक श्रीमद् भगवत गीता ही काफी है, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसने लिखा है वही बोलता है मेरे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट है वो ये है। वो क्या है? ऑल इन वन। वो ही आपको पढ़ना है कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरे, क्योंकि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनश्रिता, क्योंकि ये साक्षात भगवान के मुखारविंद से निकली है। तो ध्यान से, ध्यान जो दुखमयी बात है वो ये है कि आज जो हमारे भौतिक जगत है, ये संसार है, हमारा समाज है, हर एक इंसान एक चीज चाहता है, जो थोड़ा सा रिलीजियस है, जो थोड़ा सा ना धर्मी है, वो क्या चाहता है कि हम बहुत थक गए हैं, हम चाहते हैं कि हमारा एक ही मंत्र हो, हमारा एक ही देव हो, हमारी एक ही सेवा हो और हमारा एक ही शास्त्र हो। क्योंकि हम ना इतने सारे धर्म के पंथ हैं, उनसे बहुत उलझ गए हैं हम, ये अधिक हमको लगता है कि हम इतना सब नहीं कर पाएंगे, घड़ो ना तो मुझे है ना, कुछ शॉर्टकट में हर कोई चीज हम शॉर्टकट करना चाहते ना, तो हम भक्ति में भी चाहते हैं कुछ थोड़ा किया जाए और उसका हम अच्छा सा या संपूर्ण लाभ ले सकें। तो ये क्वेश्चन आज का नहीं है, ये क्वेश्चन तो कब से चला आ रहा है कि भक्ति किसकी करनी चाहिए, नाम किसका जप करना चाहिए, शास्त्र कौन सा जप करना चाहिए। और जीवन के इस संघर्ष में आज मनुष्य जो है उसके लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस प्रथम समस्या का ही समाधान नहीं हो पा रहा। तो इस धर्म, क्योंकि धर्म को जब हम अपनाते हैं, वैसे तो सारे लोग क्या है, अधर्म से संतुष्ट होना चाहते हैं, लेकिन जब कोई धर्म के मार्ग पर आता है और सोचता है कि अब धर्म को अपनाने के बाद मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, ये सोच कर मंदिर आते हैं ना, मंदिर में जाएंगे तो मन शांत हो जाएगा, मंदिर में आ जाएंगे तो शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आकर लगता है सबसे बड़े फड्डे तो यहीं पर है। और हर कोई जो है वो दूसरे को गलत साबित करने पर तुला हुआ है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, वो जो कर रहा है वो गलत है। धर्म के ही सारे स्तंभ हैं, लेकिन एक दूसरे को गिराने के लिए तैयार हो गए हैं। तो हर कोई जो है वो सोचता है कि मेरा तरीका, मेरी बात सही है, मेरी बात मानी जानी चाहिए, मैं जो कह रहा हूँ वो ऑथेंटिक है, लेकिन आप क्या कहते हो, मैं क्या कहती हूँ, वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, वो बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। धर्म हम जैसे साधारण लोगों की बात पर नहीं टिकेगा, धर्म तो ऑथेंटिक है, धर्म ऑथोरिटीज की बात पर टिकेगा, धर्म तो शास्त्र की बात पर टिकेगा। मैं कुछ बोल दूं वो धर्म नहीं हो सकता, या आप कुछ समझते हो वो धर्म नहीं हो सकता। तो एक बार क्या हुआ, बहुत ध्यान से सुनने की बात है कि सारे जितने बड़े बड़े संत हैं जो
आचार्य हैं। आप सबने आदि शंकराचार्य का तो नाम सुना होगा ना, तो आदि शंकराचार्य ने बहुत सारे मठ बनाए हैं अलग अलग। उन्होंने ना दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी नाम का मठ बनाया, उल्हा में उन्होंने द्वारिका देश में शारदा मठ बनाया, और उत्तर में उत्तरांचल में उत्तराखंड में उन्होंने ज्योतिर्मठ बनाया, और पूर्व में जगन्नाथपुरी में मठ बनाया। तो इन सब की स्थापना आदि गुरु जगत गुरु जो शंकराचार्य ने है उन्होंने बनाया। और इन सारे मठों के अलग अलग शंकराचार्य मतलब उनके आदि शंकर जो है वो बनाए। वो उन सबके पास इतना ज्ञान था, इतना सारा नॉलेज था शास्त्रों का। तो एक दफा क्या हुआ, इन सारे मठों के जो शंकराचार्य हैं और काशी के जो बड़े बड़े पंडित हैं और महान महान जो संत हैं, वो सब तीर्थ स्थानों में जो रहते हैं और बड़े बड़े जो भी आचार्य हैं, उनमें डिबेट शुरू हो गई। वो बहस एक ऐसी बहस थी कि वो चल रही थी, मतलब अब ये हमारे जैसे लोग नहीं है समझने की बात है। सारे मठों के आदि जो शंकराचार्य वो हैं, बहुत बड़े बड़े संत हैं, और इसके अलावा जो विष्णु संप्रदाय हैं, उन सारे विष्णु संप्रदाय के जितने आचार्य हैं वो भी वहां पर थे, और वो सब एक बहस करने लगे हरे कृष्ण। तो बहस क्या थी कि हमको ना ये डिसाइड करना है कि सब लोगों को जो भी सनातन धर्म के लोग जो इतने बिखर गए हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। लेकिन सब बता रहे थे कि भाई मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। जैसे हम जैसे नाना एक लोग भी झुकने को तैयार नहीं है तो वो कैसे झुकेंगे कि भाई हाँ ठीक है तुम्हारी बात मान रहे। तो कोई किसी की बात जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब सबने ये सोचा कि हम जो है वो सारे विश्व का कल्याण करने के लिए हम सबको एक पॉइंट पर एक प्लेटफॉर्म पर लेके आएंगे। तो हम चार क्वेश्चन रखते हैं और इन चार क्वेश्चन का उत्तर यदि मिल जाए तो सारी जो सनातन संस्कृति है उसकी सुरक्षा हो जाएगी, वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। तो वो चार क्वेश्चन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ा देव कौन है। मतलब बहुत सारे देव है ना हमारे सनातन धर्म में, तो सर्वश्रेष्ठ देव कौन है। दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है। अभी कितने सारे लाखों मंत्र हैं वेदों में, तो सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है। तीसरा क्वेश्चन कि सबसे बड़ा शास्त्र कौन सा है। और चौथा क्वेश्चन ये है कि हमको भक्ति में बहुत सारी साधना करनी होती है तो सबसे बड़ी सेवा कौन सी है। समझ में आ गया, चार क्वेश्चन है। रिपीट करें, सबसे बड़ा देव कौन सा है, और सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है, सबसे बड़ा शास्त्र कौन सा है, और सबसे बड़ी सेवा कौन सी। ये चार क्वेश्चन जो है वो वहां पर रखे गए, और वो सारे जितने बड़े बड़े शंकर आदि शंकर आचार्य थे, जो बड़े बड़े महान संत थे, वो सब क्या कर रहे थे, वो सारे महान आचार्य उन पर बहस करते थे। ये बहस करते 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 3 महीने गुजर गए। 3 महीनों तक ये सारे बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी लोग जो है वो इस बात को सोचने के लिए निर्णय करने के लिए बैठे थे। धन्य है वो, और हम लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। पूरी जिंदगी तो हम श्रवण करते रहे लेकिन हमको ना क्यों, क्योंकि हम ये सोचकर मंदिर कभी आते ही नहीं है कि हम भगवान को जाने। हम तो ये सोचते हैं कि मंदिर आना है, थोड़ी देर के लिए माता जी कुछ कुछ बकबक करेंगे, वो सुननी है, और उसके बाद प्रसाद खाना चले जाना। बाकी भगवान कौन है, शास्त्र क्या है, उससे हमारा क्या। तो क्योंकि उनके अंदर एक प्यास है, एक तड़प है, वो एक निर्णय पर पहुंचना चाहते हैं, और हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बस अपने काम से काम मंदिर आकर ये साबित करना है कि हम धार्मिक हैं, ये सब। बाकी मंदिर या भगवान से तो हमारा कुछ लेना देना थोड़े है। देखो मुझे सो मुझे पेंडेला हो, तो भगवान जो हो सो हो, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें बहुत दुख की बात, हमारे लिए बहुत दुख
बात है कि 5000 वर्ष हो गए भगवान को श्रीमद् भगवद गीता लिए हुए, 5000 साल हो गए हैं हमारी सनातन संस्कृति के सारे क्वेश्चन को भगवान ने एक शास्त्र में सिद्ध कर दिए, सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। जब गीता ने गीता अर्जुन को भगवान ने सुनाई, अर्जुन ने सारे क्वेश्चंस के उत्तर उनसे पूछे और भगवान ने बताया अर्जुन में जो तुम्हें ये बता रहा हूँ वो क्या है, राज विद्या राजगुणियम, ये समस्त गुणीय जितने गोपनीय रहस्य हैं उनका राजा है और जितने राजा हैं उनकी विद्या है, कोई साधारण चीज नहीं बता रहा हूं मैं तुमको। परंतु अभी तक आज तक हमारा जो हिंदू संस्कृति जो ये समाज है वो, मैं छोटे बच्चों की बात नहीं करती हूँ, हमारे छोटे बच्चों को नहीं पता ना, उनकी जिम्मेदारी हमारे बड़ों को, उनके माता पिता को जाके पूछो, उनको पता नहीं भगवान कौन है, शास्त्र कौन है, मंत्र कौन है, कौन देव है, किस तरह से सेवा करनी चाहिए। आज हम देखते हैं हमारे बच्चों को हम हायर एजुकेशन के लिए कितना उत्सुक होते हैं, हमें अपने बच्चों को PhD करवाना है, हमें अपने बच्चों को CA करवाना है, हमें अपने बच्चों को मास्टर्स करवाना है, बैचलर्स करवाना है, इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं, उनसे भी यदि हम इतना साधारण सा क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या है हमारा मुख्य शास्त्र, क्या है हमारा मुख्य जो देव है वो क्या है, हमें मंत्र कौन सा जपना चाहिए, बिल्कुल ब्लैंक, कुछ भी पता नहीं होता है उनको। और उसकी सारी की जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर है क्योंकि हमने कभी इस चीज को, इस बात को सीरियस लिया ही नहीं है कि कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे जाकर जो कुछ वहां पे हासिल करेंगे, जो कुछ बौद्धिक एजुकेशन प्राप्त करेंगे, छोड़ के जाएंगे मरने के दम तक, तुम भी उसके पीछे यही बोलोगे ना, क्या राम नाम संगे तो जपा कहीं, नहीं तो फिर जपाया नहीं तो फिर कैसे उसके संग जाएगा। तो ये बेसिक है, ये हमें बहुत सीरियस से ना हमको समझना है कि हम सब क्यों कंफ्यूज हैं, अभी तक क्यों नहीं निर्णय पर आए। तो अलग अलग परिभाषाओं में हिंदू समाज इतना बिगड़ा हुआ है, इतना बिखर गया है और उसको समझ में ही मुश्किल से आता है। और इस ये जो फैल गया है ना, ये अलग अलग पंथ जो फैल गए हैं, हमें लगता है उसमें से निकलना बहुत ही कठिन है। जो जहाँ पर है ना, जो किसी संत को भगवान समझता है वो समझता है कि बस उधर से बाहर निकलना मुश्किल है, जो किसी पंथ में अटक गया वो समझता है बस ये हम ऐसा लगा पाया हूँ ना इस रास्ते पे, और रास्ते पे लग गए हो, कितना भी चलोगे मंजिल नहीं आएगी, तो फिर क्या लाभ है उस रास्ते पे चलने का। तो चारों मठों के शंकराचार्य वहां पर थे और वो कोई हम जैसे अज्ञानियों की सभा नहीं थी, कौन कौन थे वहां पर, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी थे। और 3 महीने बहस चल रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। क्वेश्चन क्या थे, परमेश्वर कौन है, परम मंत्र कौन है, परम शास्त्र कौन है, परम सेवा कौन सी है। और अभी ये सारे बड़े बड़े ज्ञानी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जानते थे कि हमारी बात चलने वाली नहीं है, दूसरा तो मुझे खंडन करेगा ही करेगा ना, मैं बोलूंगी तो वो सामने वाला क्यों स्वीकार करेगा। फिर वहां पर क्या होता है, एक क्लाइमेक्स होता है, वहां पर जगत गुरु वल्लभाचार्य प्रकट होते हैं। और जब वल्लभाचार्य जो कि विष्णु संप्रदाय के पुष्टि मार्ग के आचार्य हैं, विष्णु स्वामी पद के, वहां पर उन्होंने भागवत की बहुत ही विशाल टीका लिखी है जिसको सुबोधरी कहते हैं। श्रीधर स्वामी के बाद उनका ही बहुत बड़ा नाम है जगत गुरु वल्लभाचार्य की। तो वहां पर वो प्रकट होते हैं और जैसे ही वो जगन्नाथपुरी में जो बहस चल रही थी, जगन्नाथपुरी में वो आए, पंडितों का बहस सुना, उनके दलाल सुने और शास्त्रों के असीम जो वो रेफरेंसेस दे रहे थे, जो श्लोक्स बता रहे थे उनको सुने, लेकिन वो भी निर्णय नहीं ले पाए। किस बात का निर्णय नहीं ले पाए, सर्वश्रेष्ठ भगवान कौन है, मंत्र कौन है, देव कौन है और सेवा क्या है। तो जगत गुरु वल्लभाचार्य ने बोला, खड़े हो गए, उठ गए, हाथ जोड़कर विनम्र एक प्रार्थना की कि ये समस्त वेद और पुराण जो सनातन धर्म के दो मुख्य शास्त्र होते हैं, वेद हैं, 4 वेद हैं और बाकी पुराण हैं। कुछ लोग खाली वेदों को मानते हैं, कुछ लोग जो है वो पुराणों और दूसरे शास्त्रों को मानते हैं। तो वेदों को जो है, वेदों के मानने वाले फॉलोअर्स जो है,
वो अलग तरीके से के साथ व्याख्या करते हैं पुराणों के मानने वाले, लेकिन यहाँ पर तो सब एकत्रित हैं, वेदों के ज्ञाता, शास्त्रों के, पुराणों के ज्ञाता सब एकत्रित हैं, और इतने समय से ये डिबेट चल रही है लेकिन कोई भी निर्णय नहीं आया। अब हम एक कार्य करते हैं, क्या कार्य करते हैं कि हम ये इस बात का निर्णय जो है वो जगन्नाथ भगवान पे छोड़ देते हैं। जो जगन्नाथ भगवान निर्णय लेंगे वो हम सबको स्वीकार होगा। क्या आप सबको स्वीकार होगा? तो वहां पर जितने भी संत और आचार्य थे वो क्या बोलने लगे? साधु साधु साधु, यानी कि हम भगवान की बात को अवश्य स्वीकार करेंगे। तो क्या हुआ, वहां पर जगन्नाथपुरी में जो बड़ा सा मंदिर है वहां पर एक कोरा कागज और एक पेन रखा गया, और जगन्नाथ भगवान से सारे संत और भक्तों ने, वहां के जितने आचार्य थे, उन्होंने ये प्रार्थना की कि भगवान हमको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है लेकिन हमें लक्ष्य नहीं पता, हमें नहीं पता परम भगवान कौन है, हमें नहीं पता परम मंत्र कौन है, हमें नहीं पता परम शास्त्र कौन है, किसकी सेवा करनी है, तो हमें आप कृपया इसका उत्तर दीजिए। तो ये कोई है ना सेंटिमेंटल केस नहीं है, ये भगवान जो है वो साक्षात भगवान है। अभी जैसे हम चंदन यात्रा उत्सव कर रहे हैं, भगवान तो माधवेंद्रपुरी को बोलते हैं मेरे लिए लेके आओ चंदन, मुझे लगाना है मुझे। तो भगवान जो है वो अपने भक्तों से बात करते हैं, भगवान अपने भक्तों की हर समस्या का समाधान करते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे ऐसा हुआ, उन्होंने बोला, सारे जो जितने आचार्य थे वो सोचने लगे ठीक है, वैसे तो हम इस बहस में कभी सफल होने वाले नहीं, क्योंकि कोई एक दूसरे के सामने झुकना तो चाहता नहीं है, और अगर हम लोग ऐसे ही बहस करते 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 वैसे ही लड़ते लड़ते मर जाएंगे, इससे बेहतर भगवान पे छोड़ देते हैं और भगवान जो भी निर्णय करेंगे उसको हम मानेंगे। तो पेपर और पेन रखा गया रात को और कहा कि हम सब बाहर जाएंगे और मंदिर को चारों तरफ से लॉक कर दिया जाएगा, ताले लगा दिए जाएंगे, हम बाहर बैठकर प्रतीक्षा करेंगे। सुबह को ब्रह्म मुहूर्त के समय हम मंदिर खोलेंगे और जो भी इस पेपर पे लिखा होगा उसको हम सबको स्वीकार करना है, कोई भी उसमें हम लोग है ना आर्ग्यूमेंट्स नहीं देंगे। तो ये सब बड़े बड़े ज्ञानी संत महात्मा वो मानने को तैयार हो गए हैं, लेकिन हम भले, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, वो तो मान जाएंगे लेकिन हम जैसे जो साधारण लोग हैं ना, जिनके पास बुद्धि नहीं है ना, वो ऐसी चीज को मानते ही नहीं है, वो शास्त्र को नहीं मानते, भगवान की बात को नहीं मानते। देखो अर्जुन कितना बड़ा भक्त था भगवान का, कितना बड़ा विशाल, अर्जुन के कितने गुण थे, वो सहशरीर स्वर्ग में चला गया। अर्जुन जो है वो इंद्र का पुत्र था, भगवान की बात मान ली तो क्या हुआ, विजयी हो गया। धृतराष्ट्र था, उसको भी वही भगवद्गीता सुनाई गई, उसने भगवान की बात नहीं मानी तो उसका विनाश हो गया। तो भगवान की बात आप मानते हो उसमें भगवान का लाभ नहीं है, भगवान की बात मानने से लाभ तो हमारा ही है। हम लोग क्या करेंगे, मंदिर आएंगे, माथा टेकेंगे, टक्का पैसा भी कुछ डालेंगे, लेकिन भगवान को बोलते बस इतना आएंगे, व्यवहार करना है, प्यार नहीं करना, बात नहीं माननी है तुम्हारी, बात भगवान की मानते नहीं है, करते वही है जो हमारी मर्जी होती है। तो लेकिन यहाँ पर ज्ञानियों की बात हो रही है, तो वो सारे ज्ञानी लोग जो हैं ब्रह्म मुहूर्त के समय कौन कौन थे वहां पर, चार मठों के शंकराचार्य, जगतगुरु वल्लभ आचार्य, विश्व संप्रदाय के सभी आचार्य वहां पर मौजूद थे। और जब उन्होंने सुबह उठकर मंदिर खोला है और जब पेपर भी देखा तो एक बहुत ही सुंदर श्लोक लिखा था, इतना गजब का श्लोक था जिसपे इन चारों सवालों का बिल्कुल स्पेसिफिक जो है ना आंसर लिखा हुआ था, और इतना प्यारे तरीके से भगवान ने उत्तर दिया है। क्या, कौन से क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ भगवान कौन है, सर्वश्रेष्ठ मंत्र कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ सेवा क्या है, सर्वश्रेष्ठ शास्त्र कौन सा है, और उसका उत्तर कौन दे रहे हैं आज, साक्षात जगन्नाथ भगवान। तो बता दो कौन सा है, हाँ तो वो मंत्र है बहुत ही प्यारा मेरे, बहुत ही सुंदर है,
और ये जो मंत्र है वो मिलियन डॉलर का मंत्र है। एक ये ही मंत्र यदि भगवान का हम मान लेना तो समझो हमारा जो सनातन हिंदू धर्म, जिसको सनातन धर्म कहते हैं, हिंदू संस्कृति, अगर एक इस बात को भी भगवान की मान लेना तो सारे झगड़े खत्म हो जाए, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, सारी जो आज धर्म के अंदर ये जो सब है ना, एक दूसरे को खींच रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं, एक दूसरे को नीचा झुका, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी सिर्फ एक इस मंत्र को मान लिया कर। तो क्या है, जगन्नाथ जी ने क्या लिखा है वो सब मेरे साथ पढ़ेंगे। एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा, एक दफा वापिस से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, भगवान के शब्द हैं, आपको पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है। एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र एवा, एको कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा, ये मंत्र किसने लिखा है, जगन्नाथ जी ने लिखा, और जगन्नाथ जी ने लिखकर ये मंत्र वेद व्यास जी को दिया, और वेद व्यास जी ने इस मंत्र को महाभारत से जोड़ा, और भागवत श्रीमद् भगवत गीता का जो महात्म्य है उसमें संकलन कर दिया, और ये बताया है इस मंत्र में क्या बताया गया है, एको शास्त्र देवकी पुत्र गीतम। एक ही शास्त्र पढ़ना काफी है जो देवकी के पुत्र ने गाया है, कौन सा है, ग्रंथ राज श्रीमद् भगवत गीता मात की जय। ये भगवत गीता सनातन धर्म की बुनियाद है, भगवान के मुख से निकला हुआ शास्त्र है, और इतना महान शास्त्र हमारे पास है, इतना अनमोल खजाना है, और हम दूसरे दूसरे शास्त्रों को खोजते रहते हैं। शिला प्रभुपाद जी और वेद व्यास जी जो हैं, वो श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं वो कौवे होते हैं जो गंध में जाते हैं, वास्तविक जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ना वो गीता और भागवतम से भगवान की चर्चा करते हैं। भगवान ने जब बता दिया है, भगवान की मुख से निकला हुआ किम्वा परे नीश्वरे, क्या जरूरत है दूसरी जगह पे खोजने की, क्या अपने भगवान पे विश्वास नहीं है क्या। तो यहाँ पर बताया है कि एक मंत्र, एक ही मंत्र है, क्या है, कस्य नामानि यानि, उन भगवान का नाम संकीर्तन करना, और एक ही सेवा क्या है, उस भगवान की सेवा करना। भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, पहला कॉन्सेप्ट हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि भगवान वो एक देव कौन है, वो किसी और से पूछने की क्या जरूरत है। जब भगवान ने कह दिया अर्जुन मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, हे धनंजय मुझसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं। जब भगवान कहते हैं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ तो फिर हम क्यों इधर उधर भटकते हैं किसी और को श्रेष्ठ मानने के लिए। साक्षात जगन्नाथपुरी ने निर्णय दे दिया, चारों दिशाओं के शंकराचार्य मान रहे हैं, चारों विष्णु संप्रदाय के आचार्य मान रहे हैं, वल्लभ आचार्य, रामानुज आचार्य, निम्बार्क आचार्य, माधव स्वामी, विष्णु स्वामी, सब कुछ मान रहे हैं। इस सब ने ये फाइनल कर दिया है, ये फाइनल डिसीजन, मनुष्य मात्र के लिए सर्वश्रेष्ठ अगर कोई देव है तो वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण। कौन है,
अब देखो इतना सारा जब सबने बता दिया है ना, अब किसी और से पूछने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही ना। आप लोगों को क्या है, रोड चलते हुए कोई बोल देता है कि भाई भगवान कृष्ण कैसे हो सकता है, हम उसी टाइम पर कंफ्यूज हो जाते हैं, कृष्ण वाकई में भगवान कैसे हो सकता है, उसने क्या किया, उसने क्या किया। तो कोई क्या कहता है वो महत्वपूर्ण है, या इतने सारे ज्ञानी जनों ने जो बताया है वो महत्वपूर्ण है, जो साक्षात भगवान ने बताया है वो महत्वपूर्ण है। ये कोई साधारण राह चलते की ये कोई राय नहीं है, ये साक्षात भगवान और समस्त आचार्यों की राय है, ये आचार्यों का निर्णय है, साक्षात भगवान ने बताया, इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है। और ये तो चलो भगवान ने कह दिया, सारे आचार्यों ने कह दिया, थोड़ा आगे चले, सबसे महान जीव संसार के, जिन्होंने संसार की सृष्टि की है, उनका नाम क्या है, ब्रह्मा जी उनका नाम है। वो कहां से उत्पन्न हुए, कभी सोच सकते हैं, वो ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न है। क्या तो उनके अंदर बुद्धि होगी, चार चार मस्तक है उनके, हमारा आधा दिमाग है और उनके चार मस्तक है, और उन्होंने ज्ञान कहाँ से सीखा, आपने कहाँ से सीखा, ऐसे ही रस्ते चलते, यहाँ पर तो कौन है, कोई बड़ा आचार्य भी नहीं आया आपको ज्ञान देने के लिए, उन्होंने ज्ञान कहाँ से सीखा है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, हृदय में रहते हुए भगवान ने उनको, क्योंकि उस समय कोई आचार्य था ही नहीं, ब्रह्मा जी प्रथम जीव थे और उनको सृष्टि की रचना करनी थी, साक्षात भगवान ने उनको ज्ञान दिया, और उन्होंने पहला स्टेटमेंट जो दिया है, पहली बात जो बताई है वो ये क्या बताई है, ईश्वर परम कृष्ण, कि अगर कोई भगवान है तो वो कौन है, कृष्ण। ये ब्रह्मा जी ने स्टेटमेंट दिया है, हम ब्रह्मा जी की बात को स्वीकार नहीं करते तो सारे शास्त्र जो है, हम बोले नहीं हम शास्त्र से टूटेंगे, शास्त्र में जो लिखा है वो सच है, सारे शास्त्र जिसने लिखे हैं उस लिखने वाले का नाम जानते हो आप, उसका नाम है वेद व्यास जी, वेद व्यास जी ने सारे शास्त्र लिखे हैं, उनसे बढ़कर और क्या प्रमाण हो सकता है। वो वेद व्यास जी से यदि हम पूछते हैं कि भगवान कौन है, तो वो अपने अपने किसी भी शास्त्र को प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण में ये बात को क्लियर कर देते हैं, क्या बोलते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रयोन विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो तापत्रयोन विनाशाय, जो सारे तापों को दूर करना है, करने वाला है, सच्चिदानंद रूप है, जो कि इस विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, जो विश्व को उत्पन्न करता है, उसका पालन करता है, संवार करता है, श्री कृष्णाय वयं नमः। वो भगवान कृष्ण है, मैं उसका उसको ही प्रणाम करके फिर ही मैं कोई कार्य करूंगा। ब्रह्मा जी ने स्टार्ट किया, भगवान श्री कृष्ण भगवान है, वेद व्यास जी ने कहा मैं तो जब तक उनको प्रणाम नहीं करूंगा मेरे पास शक्ति नहीं है कुछ लिखने की, और वेद व्यास जी के पुत्र जो कि भागवत के परम आचार्य है, सुखदेव गोस्वामी से जब पूछा कि कौन है भगवान, तो वो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः सुवन्ति दिव्ये सवे वेदे सांगपक्रमोपनिषदे गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पुष्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मेन। यम ब्रह्मा वरुण रुद्र इंद्र जो सब जिसकी उपासना करते हैं, यस्यान्तं विदुः न सुरासुरगणा जिसको अंत ना तो कोई सुर जान सकता है ना असुर जान सकता है, सारे योगी जन जिसकी तपस्या करते हैं, सारे ज्ञानी जन जिसको नमस्कार करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया, वेद व्यास जी ने स्वीकार किया, सुखदेव गोस्वामी जी ने स्वीकार किया, और जितने भी बड़े बड़े आचार्य हैं उन्होंने स्वीकार किया है कि कृष्ण ही भगवान है,
सारे वैष्णव संप्रदाय ने ब्रह्मा नारद सुखदेव गोस्वामी इस संसार के रचयिता संहार करने वाले पालन करने वाले अगर कोई सर्वश्रेष्ठ भगवान है तो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और वेद मंत्र में तो यहाँ तक कह दिया कि आप उनसे बड़े की बात करते हो, उनसे श्रेष्ठ की बात करते हो, न तत् समं तत् अधिकं कुतोऽन्यः, उनके तो कोई बराबर नहीं हो सकता, उनसे बड़े की क्या बात करते, न तत् समं, उनके समान कोई नहीं है। और सबको छोड़ दीजिए, हम बोलते हैं भाई कलयुग में, ये तो बहुत पुरानी पुरानी बात बता रहे हो, कलयुग की बात करो, कलयुग में जो गुरुजन आते हैं वो तो नहीं कहते कि कृष्ण भगवान है। आज कलयुग के जो सर्वश्रेष्ठ गुरुजन है वो कौन है? गुरु नानक साहब। उनकी बात सुन लीजिए, गुरु ग्रंथ साहब में साक्षात गुरुजन फरमाते हैं, कीर्ति महला नंबर 2, उसमें कहा गया है, ध्यान से सुनने का है, एको कृष्ण सर्वदेव देव देवात आत्मना आत्मा वासुदेवस्य जेको जाने भयो नानक वाको दास है सोही निरंजन देव। एको कृष्ण सर्वदेव यानी सर्वश्रेष्ठ देव अगर कोई है तो वो कौन है? कौन है? किसने कहा? गुरु साहब ने कहा। और एको कृष्ण सर्वदेव देव देवा की आत्मना यानी वो ही सारे देवों के जितने भी देव हैं उनके परम मालिक हैं। आत्मा वासुदेवस्य यानी जितने भी प्रत्येक जीव हैं उनके अंदर जो परमात्मा के रूप में है वो वासुदेव हैं। जाके जानो भयो, जो श्री कृष्ण को जानता है, जो उनको जान लेता है वो क्या है? गुरु नानक साहब कहते हैं वो मेरा स्वामी है, नानक वाको दास है, मैं उसका दास हूँ, सोई निरंजन देव, कृष्ण की बराबरी और कोई नहीं कर सकता, वो ही परम देव है। इतने सारे प्रमाण हैं कृष्ण के भगवान होने के। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि सर्वश्रेष्ठ देव कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अब सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था? एक के सारे शास्त्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ शास्त्र कौन सा है? तो हमको क्या लगता है कि बहुत सारे शास्त्र हैं, कभी भगवान ने भागवतम दिया, इतने सारे वेद दिए, पुराण दिए, लेकिन भगवत गीता जो है भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले दी है, उससे पहले भी बहुत कुछ है शास्त्रों में पढ़ने के लिए, इसके बाद भी बहुत कुछ, लेकिन शायद हम लोग इस बात से बहुत कम लोग है ना जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ये भगवत गीता 5000 साल पहले अर्जुन को नहीं दी, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के चैप्टर नंबर 4 में कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहु मनोरिक्षवाकवे ब्रवीत, कि ये ज्ञान मैंने सबसे पहले जब सृष्टि की रचना हुई थी तो मैंने सूर्यदेव को दिया। इस सूर्यदेव क्या है? हमारी जितनी भी परंपरा है सूर्यवंश और चंद्रवंश से आती है। ये चंद्रवंशी कृष्ण कह रहे हैं सूर्यवंशी की परंपरा का स्टार्ट जो है वो भगवत गीता से हुआ है। एवं विवस्वते योगम, मैंने ये ज्ञान सबसे पहले विवस्वान को दिया। अब ये क्या है? आप कभी सोच, कभी हमारे मन में आता नहीं है कि इसी सूर्यवंश की परंपरा में कितने बड़े बड़े राजा आए हैं और उन्होंने सबने श्रीमद् भगवद्गीता के ज्ञान को स्वीकार किया है। आपको पता है श्रीमद् भगवद्गीता लिखाई जो है वो वेद व्यास जी ने है और लिखी किसने है? किसने लिखी है? गणपति जी ने लिखी है। और लिखने से पहले आपस में ये बात तय हुई थी, गणपति जी ने वेदव्यास जी से कहा कि देखो मैं लिखने के लिए तो तैयार हूँ लेकिन मैं अगर आप बीच में स्टॉप हो जाओगे ना तो मैं लिखने का काम छोड़ के चला जाऊंगा, आपको बीच में रुकना नहीं है। तो वेदव्यास जी ने कहा ठीक है मैं ना रुकूंगा नहीं, लेकिन तुम भी एक प्रॉमिस करो गणपति जी कि अगर जब तक आप कोई कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ नहीं लेते हो, जब तक आप इस बात को स्वीकार नहीं कर लेते हो तब तक नहीं लिखना। तो ये बात दृढ़ हो गई कि गणपति जी वही लिखेंगे जो उनको स्वीकार होगा,
जो उन्होंने समझ लिया होगा। और गणपति जी ने जो ये लिखा है ना, भगवान गीता में कहते हैं मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चित् अस्ति, कि कृष्ण से सर्वश्रेष्ठ भगवान और कोई नहीं है। भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मुझसे श्रेष्ठ और कोई भी नहीं है। भगवान कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करो, मेरा नाम लो, मेरी सेवा करो, सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से छुटकारा दिला दूंगा। ये सारी बातों को गणपति जी ने लिखने से पहले स्वीकार करके लिखा है। तो गणपति जी ने भी स्वीकृति दे दी है कि ये भगवान कृष्ण ही है और कोई हो ही नहीं सकता है। तो ये जो शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता, पहले भगवान ने किसको दिया? सूर्य देव को दिया। उसी सूर्य वंश परंपरा में कितने महान राजा आते हैं, इक्ष्वाकु, भगवान बोलते हैं ना मनोर इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु महाराज आते हैं, राजा हरिश्चंद्र आते हैं, महाराजा सगर आते हैं, महाराजा दिलीप, महाराजा भागीरथ, जिन्होंने अपनी तपस्या से माता गंगा को पृथ्वी पर प्रकट कर दिया, जिन्होंने शिव जी को इस बात के लिए स्वीकार करने पर उनको एग्री कर दिया कि गंगा जी को आप सर पे रखोगे, इन सारे महान राजाओं ने श्रीमद् भगवद गीता को स्वीकार किया है कि श्रीमद् भगवद गीता ही हमारा सबसे सर्वश्रेष्ठ जो ग्रंथ है। ये सब भगवद गीता को मानने वाले हैं, ये सब सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं, और उन सबके घर पे ये सारे जो सूर्यवंशी राजा, देखो आपने भगवान ने कहा है ना इमं विवस्वते रोगम मनोर इक्ष्वाकु, ये सारे जो हमारे सूर्यवंश के बड़े बड़े राजा हैं ना, उन्होंने भगवद गीता को स्वीकार किया। मतलब भगवद गीता को स्वीकार किया मतलब किसको भगवान के रूप में स्वीकार किया? कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया। इन सब के महल में भगवान का जो मंदिर होता था उसमें सिर्फ भगवान श्री कृष्ण होते थे। इन सब के पास जो पढ़ने के लिए पुस्तक होती थी वो श्रीमद् भगवद गीता होती थी। उन सबके घर में तुलसी का पौधा था। ये हमारी सनातन संस्कृति की पहचान थी। परंतु दुख की बात ये है कि अब हम ना भगवद गीता को जानते हैं, ना भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं, ना कोई सनातन संस्कृति बात को मानते हैं। घरों की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर मंदिरों में भी भगवद गीता और भगवान से रखने से लड़ाई झगड़े होते हैं। मंदिरों को भी ऐसा लगता है कि ये मंदिर किस लिए बनाए जाते हैं? ये मंदिर इसलिए तो बनाए जाते हैं कि यहाँ पर भगवान की पूजा की जाए, ये मंदिर इसलिए तो बनाए जाते हैं कि यहाँ पर भगवद गीता रखी जाए, लोगों को भगवान के विषय में बताया जाए। और हम आज अपने मंदिरों में भगवान को दूर कर रहे हैं। भाई भगवान नहीं होने चाहिए इस मंदिर में, भगवद गीता नहीं होनी चाहिए, तो क्या इस मंदिर में डांस होना चाहिए? तो इस मंदिर में क्या होना चाहिए? अगर मंदिर में भगवान ही निकल दिया जाए, मंदिर है ना आखिर, ये तो मंदिर में यदि भगवान नहीं है, मंदिर में अगर शास्त्र नहीं है, मंदिर में यदि गीता नहीं है, भागवत नहीं है, हरि नाम का कीर्तन नहीं है, भगवान की कथा नहीं है, भागवत नहीं है, तो किस बात का मंदिर है ये? तो ये तो सारे आचार्य गण जो है, वो जितने बड़े बड़े राजा थे, वो तो अपने घरों को भी मंदिर बना के रखे थे, और आज हम अपने मंदिरों को भी श्मशान बना देते हैं, जहां पर मंदिर भगवान को निकाल देते हैं वहां से। तो ये हमारे लिए बहुत ही दुख का कारण है। और मैं हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा करें। लेकिन जिस जिस मंदिर को आप जानते हैं, जिस जिस मंदिर में हमारी थोड़ी बात चलती है, उनको ये रिक्वेस्ट कीजिए, उनसे विनती कीजिए कि मंदिर में भगवान को रखिए, मंदिर में भगवद गीता को रखिए, तभी आप अपने सनातन धर्म को बचा सकोगे। वरना कैसे बिखर जाएगा सनातन धर्म, ये कोई नहीं सोच सकता। ये भगवद गीता, ये भगवान, ये जो सनातन संस्कृति है, वो ना केवल हमारी पहचान है, बल्कि हमारे लिए सुरक्षा है। हमारी संतान की सुरक्षा इन्हीं के द्वारा होगी। और मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ, मैं आशीर्वाद के तो योग्य नहीं हूँ, लेकिन राधा वृंदावन चंद्र से, राधा गोपीनाथ से, मैं हृदय से प्रार्थना करती हूँ कि जिन परसु भैया और उनकी टीम ने, जिन्होंने ये इतना बड़ा हिम्मत का काम किया, उनकी पूरी संपूर्ण टीम को मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, जिन्होंने इतनी बड़ा ना एक स्टेप उठाया है भावना ये मंदिर में श्रीमद् भगवद गीता लौट लाने के लिए। ये कोई आसान काम भी नहीं था। हमें यही सोचती थी कितने टाइम से, मैं हर जगह पे जाती हूँ, गीता स्थापित करके आती हूँ, मेरे मंदिर में, मतलब क्योंकि हृदय से
हम इसको मंदिर को हम मेरा कहते हैं, मेरे मंदिर में वो दिन कब आएगा जब यहाँ पर भगवद गीता की स्थापना होगी, यहाँ पर जब भागवत का सप्ताह रखा जाएगा, कब होगा ऐसा? तो ये है ना, भगवान उनको सारे कष्टों से दूर रखे, उनके ऊपर हमेशा अपनी कृपा रखे, जिन्होंने ये इतना सुंदर निर्णय लिया है। ये जो निर्णय है वो हमारी सनातन धर्म को बचा सकता है। थैंक यू सो मच, ये बहुत ही बड़ा कार्य है। तो यहाँ पर हमारा ये दूसरा जो क्वेश्चन है कि ना कि मंदिर, ये जो हमारा जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है वो कौन सा है? श्रीमद् भगवद गीता, जिसकी यहाँ पर स्थापना हो रही है। और जो ये कार्य कर रहे हैं उन सबके लिए जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आप लोगों को खुशी नहीं हो रही है? जोर से राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज के बाद आपसे यदि कोई पूछता है आपके भगवान कौन है तो बिंदास कहिए, कौन? आपके शास्त्र कौन है तो दिल पर जोरदार एक हाथ रख के बोलिए और भरम के साथ बोलिए, हमारी शास्त्र सर्वश्रेष्ठ शास्त्र कौन सी है? श्रीमद् भगवद गीता। अरे रशियन कह रहे हैं, अमेरिकन कह रहे हैं, वो विदर्भी कह रहे हैं जिनको धर्म का कुछ पता नहीं, वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। हमारे तो घर की बात है, कृष्ण और राम तो हमारे अपने हैं, ये भगवद गीता तो हमें तो विरासत में मिली, और हम कहते हुए शर्म महसूस क्यों करें कि श्रीमद् भगवद गीता हमारा शास्त्र है। तो यहाँ से ये बात तना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सर्वश्रेष्ठ भगवान कृष्ण है और सर्वश्रेष्ठ शास्त्र भगवद गीता है। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ मंत्र कौन सा है, क्योंकि इतने सारे मंत्र हैं। और मैं कभी किसी बच्चे को भी माला देती हूँ ना, मैं बोलती हूँ भाई आप मंत्र कौन सा जपोगे, तो बोलते मेरी मम्मी बोलती है ये वाला बच्चों जप करना है, मेरे पापा बोलते ये वाला मंत्र अच्छा होता है, मेरे भैया बोलते नहीं नहीं ये वाला मंत्र जप करना चाहिए। आप तो कौन सा बता रही हो, मैं मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सा मंत्र जप करूं। तो मैं अगर बताऊंगी कि ये वाला मंत्र जप करना है तो कभी भी मत मानना, क्योंकि मैं तो गलत हो सकती हूँ। हमको कहाँ से लेना है? शास्त्र से लेना है। तो शास्त्र जो है सारे, अच्छा बहुत सारे शास्त्र हैं, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो वेदों को माना जाता है। यजुर्वेद की जो प्रथम सहाय है उसमें नारद मुनि जो है वो एक बार ब्रह्मा जी से पूछते हैं, ब्रह्मा जी आपने ये सारी संसार की रचना कर दी, सारे संसार की रचना करने वाले को पिता बोलते हैं, हम भी ब्रह्मा जी को बोलते हैं ना, ये हमारे परम पिता हैं, भगवान के बाद तो ब्रह्मा जी ने ही सारी सृष्टि को है ना जन्म दिया है, तो पिता महा कहा जाता है ब्रह्मा जी को। तो पिता को तो कितना ना अंदर से दुख होता है जब संतान दुखी होती है। तो ब्रह्मा जी से कहा कि आपने संसार की रचना कर दी, लेकिन उनके बारे में सोचा है कि कलयुग के जीव कितने ज्यादा दुखी हैं, कलयुग के जीव कितने झगड़े कर रहे हैं, उनको तो मंत्र भगवान के मंत्र के बारे में भी पता नहीं है। और नारद जी बोलते हैं कलयुग इतना खतरनाक है, हर जीव मंत्र छोड़ के यंत्र के पीछे पड़ा है, है ना। आज आप देखो किसी को मंत्र की बात नहीं है, यंत्र सबके पास है, और समझता है जो यंत्र बता देना इट इज परफेक्ट, मंत्र के पीछे कोई बात तो नहीं है, यंत्र के पीछे सब भाग रहे हैं। तो आप मुझे बताइए ऐसे जीवों का उद्धार कैसे होगा? कितना सुंदर क्वेश्चन है नारद जी का, ब्रह्मा जी से पूछते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक मंत्र है नारद, अगर वो मंत्र जप करेंगे ना तो सारे कलयुग वासियों का उद्धार हो जाएगा। बोला अच्छा एक मंत्र से? बोला हाँ पिताजी बताइए। तो उस कली संग्रह उपनिषद ने ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नाम्नां करिकल्मषनाशनं नातः परोत्तरकाय सर्वविदिषु देवः।
प्रति। महामंत्र उच्चारण करने के बाद ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं, इति षोडश कम नामना कली कलमश नाशनम। कलयुग के जीवों को यदि अपने दुखों से बाहर निकलना है तो उसका एक ही उपाय है, ये 16 मंत्र वाला हरे कृष्णा 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 हरे हरे इस महामंत्र का उच्चारण करें। नारद मुनि ने बोला, आपने तो बहुत सारे शास्त्र लिखे ना, तो कोई दूसरा मंत्र भी बताओ कि किसी को अगर ये नहीं समझ में आया, पसंद नहीं लगा, तो कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए। तब नारद मुनि को ब्रह्मा जी कहते हैं, नातः परतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यति। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, मैंने सारे वेदों को छान लिया है। सारे वेदों को पढ़ने के बाद ये एकमात्र उपाय, किसी को भी इसके अलावा और कोई मंत्र जप नहीं करना है यदि वो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। भगवत प्राप्ति यदि जीवन का लक्ष्य है तो फिर यही मंत्र जप करना, और कोई मंत्र नहीं जप। लेकिन आज क्या है, आजकल हम क्या करते हैं, अपने आप को चीट करना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जो चीट होना चाहते हैं उनको चीटर गुरु मिलते हैं, और चीटर गुरु उनको दूसरा मंत्र देते हैं। वो उनको भगवान के पास नहीं लेके जाएंगे, संसार में जन्म मरण के चक्कर से कभी कोई बार नहीं आ सकेगा यदि वो कलयुग के इस दौर में अगर महामंत्र को जप नहीं करेगा। और ये वाला जो मंत्र है वो साक्षात महाप्रभु ने, और दूसरे सारे जो है ना शास्त्रों में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इस मंत्र को बताया गया है, और इस मंत्र को साक्षात भगवान के जो अभिन्न अवतार है, राधा कृष्ण स्वरूप चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान है, उन्होंने बताया है। और बताया है कि संपूर्ण शास्त्रों का प्रमाण है, ये सारे शास्त्रों के प्रमाण देकर बताए हैं। और ये बताया है कि ये जो मंत्र है वो ही जीव का कल्याण कर सकता है। अभी चैतन्य महाप्रभु भगवान ही है, वो मैं नहीं कह रही हूँ। अरे कोई कोई लोग सोचते हैं ये हरे कृष्ण मूवमेंट है वो चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानते हैं, लेकिन ये सारे शास्त्रों में बताया गया है, गरुड़ पुराण में बताया गया है। क्या बताया गया, गरुड़ पुराण में गरुड़ जी को भगवान कहते हैं, अहम पूर्णो भविष्यामि युग संदो विशिष्यते मायापुरे नवदूपे भविष्यामि सचिसुत। के मैं भविष्य में सचिसुत के रूप में आऊंगा। कहां पर आओगे, युग संदो विशिष्यते, जब दो युग, जब त्रेता और द्वापर का, जब द्वापर युग समाप्त हो जाएगा और कलयुग प्रारंभ होगा, उस समय मैं आऊंगा भविष्यामि, पूर्ण रूप से आऊंगा। अहम पूर्ण भविष्यामि स्वरूप में आऊंगा, और किसके घर पे पैदा होऊंगा, सचिसुत में, मायापुर में सचिसुत के रूप में। ये कहां पर लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण में साक्षात भगवान गरुड़ जी को बता रहे हैं। नरसिंह पुराण में भगवान स्वयं कहते हैं, वो गौरांग प्रिय कीर्तन कलयुगे चैतन्य नाम प्रभु, के कलयुग में चैतन्य नाम से मैं आऊंगा और कीर्तन के पूरी दुनिया में कीर्तन की धूम मचा दूंगा। पद्म पुराण में लिखा हो गया, मैं अपने शब्दों को नहीं बता रही हूँ, पद्म पुराण में लिखा हुआ है, कले प्रथम संध्यायां गौरांग अहम हितले भागीरथी तटे रम्ये भविष्यामि शचीसुत। अभी चैतन्य भी नहीं बोल रहे, शचीसुत यानी शची माता के घर में जो चैतन्य आएंगे वो क्या होंगे, गौरांग अहम हितले, मैं गौरांग बनकर आऊंगा, मुझे गौरांग नाम से पुकारा जाएगा, पृथ्वी पर मैं आऊंगा। और सबसे जो ज्वलंत प्रमाण है चैतन्य महाप्रभु के भगवान होने का, वो कहाँ पर है, श्रीमद् भागवतम कैंसो 11 चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 32, जो हम सबको बहुत प्रिय है। भगवान ने क्या कहा है, कृष्ण वर्णम दिशा कृष्णम सागोपंगस्त पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्रायहि यजंती हि सुमेधसा। के इस कलयुग में जो बुद्धिमान योग है, यज्ञ संकीर्तन प्रायहि यजंती हि सुमेधसा, ये जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है ना, वो बुद्धों के लिए नहीं है। भगवान भी कहते हैं
बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। दिखने में तो भले हरे कृष्ण जो भगवान की भक्ति करते हैं वो सिंपल से होते हैं, हमारे जैसे सीधे सारे लगते हैं, लेकिन असल में ये सारे जितने भी भक्ति के बाकी कार्य है ना, सारे स्टेप पार करके आए। इसीलिए तो भगवान ने कहा मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततां अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्त्वतः। हजारों में से कोई एक जो है वो भक्ति की राह पर चलता है और उनमें से भी कोई एक होता है जो कृष्ण की भक्ति करता है। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रमाण जो है गरुड़ पुराण में है, नरसिंह पुराण में है, पद्म पुराण में है, भागवतम महापुराण है कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है। और उन्होंने इस मंत्र को इतना फैलाया कि आज से 550 वर्ष पहले उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी कि इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि एक समय ऐसा आएगा कि इस ब्रह्मांड में ये मंत्र जो है वो इतना गूंजेगा और पृथ्वी से यातयत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए मोरा नाम। पृथ्वी पर जितने भी नगर और ग्राम है वहां पर मेरे इस नाम की गूंज होगी और हमारी जो भी वैष्णव संप्रदाय है, चाहे वो गौड़ीय धारा के हों, निम्बार्क धारा के हों, रामानुजी धारा के हों, चाहे जगत गुरु शंकराचार्य के हों, चैतन्य महाप्रभु की महिमा तो सबने गाई है। जगत गुरु शंकराचार्य ने आपको पता है कितने शास्त्र लिखे, 272 शास्त्र लिखे, और इतने कट्टर थे, मायावादी थे, लेकिन एंड में उन्होंने ये बात फाइनल की है, फाइनल करके गए कि यदि मनुष्य को अपना उद्धार करना है तो क्या करना है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मति, तुम अपने दूसरे कार्यों को छोड़ो और भगवान का नाम लो। तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि सर्वश्रेष्ठ मंत्र यदि कोई है तो वो कौन सा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। और हमारे प्रिय गुरु महाराज श्री प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु की इस भविष्यवाणी को सार्थक करके दिखाया। पृथ्वी पर जितने भी नगर हैं, गांव हैं, बड़े बड़े कंट्रीज हैं, वहां पर आज ये हरे कृष्ण महामंत्र की गूंज गूंज रही है, श्री प्रभुपाद की। तो यहाँ पर हमारे चार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। सबसे सर्वश्रेष्ठ देव कौन है, सर्वश्रेष्ठ शास्त्र कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ मंत्र कौन सा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और अंतिम क्वेश्चन था कि सर्वश्रेष्ठ सेवा क्या है, है ना, कर्मा प्येकम, सर्वश्रेष्ठ सेवा क्या है, सेवा का क्या मतलब होता है, सेवा कौन करता है, सेवक सेवा करता है। हाँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। सेवा कौन करता है, सेवक करता है, किसकी करता है, किसकी, अपने स्वामी की। तो सेवक सेवा कैसे करता है, अपनी मर्जी से करता है, जो उसके स्वामी उसको आदेश देते हैं अगर वो सेवा सेवक करता है तो स्वामी प्रसन्न रहता है। तो हम अगर कोई सेवा करते हैं, अब ये तो पता चल गया स्वामी कौन है, है ना, तो कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा, हमें उस भगवान की सेवा करनी है। और सेवा कैसे करनी है, आप अपनी मर्जी से ये नहीं कह सकते कि भगवान निराकार है, क्योंकि भगवान ने कहा है अहम सर्वस्य प्रभु। आप अपनी मर्जी से ये नहीं कर सकते मैं भगवान की सेवा में ऐसे करूंगा, भगवान को बाहर निकालूंगा और भगवान का मथा, नहीं, ये गलत है। भगवान ने जिस तरह से कहा है उस तरह से अगर हमें सेवा करनी है तो ही सही सेवक है। और भगवान ने कैसे कहा है, क्या करना है, चार तरीके हैं बस। भगवान क्या कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशति सत्यम ते प्रति जाने प्रियो से में। बस चार कर्म करनी, मन मना, मन में मेरा चिंतन करो। अब हम चिंतन किसका करेंगे, मना का, भगवान कहते हैं मेरा करो, मन के अंदर मेरा चिंतन करो। तो किसने कहा है, किसने कहा है, कृष्ण ने कहा है। तो मन में किसका चिंतन होना चाहिए, कृष्ण का चिंतन होना चाहिए, निराकार का नहीं बोला कि मन में निराकार का चिंतन, कुछ ऐसा संस्कृत में नहीं बोला भगवान ने, बोला मेरा चिंतन करो। और क्या कहा, मन मना भव मद भक्तो मेरे भगत बनो, साफ
बोला है, भगत का मतलब है मेरी पूजा करो। भगवान ने आगे बोला है, मत्या जी मेरी पूजा करो। क्या मतलब है पूजा का? मेरी आरती करो, मुझे ऑफर करो, मेरी चंदन यात्रा करो, मेरी झूलन यात्रा करो, मुझे मेरी बॉर्ड फेस्टिवल करो, मेरी पूजा करो। भगवान ने मेरी कहकर कहा, किसी और के साथ। भगवान इतने पॉजेसिव है अपने लिए कि बार बार गीता में लिखते अनन्य अनन्य अनन्य, दूसरा नहीं। केवल कृष्ण, कृष्ण अपने साथ किसी कॉम्पिटिटर को बर्दाश्त नहीं करते। भगवान ने कहा, जो सिर्फ मेरी भक्ति करेगा ना, मैं उसकी गारंटी लूंगा। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परोप्यासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो सिर्फ और सिर्फ मेरी शरण में आएगा, जो सिर्फ और सिर्फ मेरा कीर्तन करेगा, जो सिर्फ और सिर्फ मेरी भक्ति करेगा, अनन्या चिंतन, जो दूसरे किसी का नहीं करेगा, उसी की गारंटी लूंगा। योगक्षेमं वहाम्यहम्, जो कुछ उसके पास है उसकी रक्षा करूंगा, जो नहीं है वो उसे प्रदान करूंगा। तो हमें प्रेम, वो बोलते ना प्यार में सौदा नहीं, प्रेम के अंदर प्रीत की रीत जो है वो, ये बोलते ना प्रेम का जो रास्ता है वो बहुत साकड़ी, प्रेम गली अति साकड़ी, या में दुई न समाए, इसके अंदर दो नहीं आ सकते। प्रेम करना है तो एक से करना है, ये है सेवा। भगवान ने जो कहा है उसकी बात को मानना, ये है हमारा सेवा। तो सबसे प्रथम जो सेवा है वो क्या है? भगवान के आदेश का पालन करना। और आदेश कहाँ लिखा है? भगवत गीता में। जो गीता में लिखा है उसे हमें स्वीकार करना है। तो यहाँ पर जो है वो इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया मेरे द्वारा नहीं, ये सब आचार्यों की बातें हैं, ये सब शास्त्रों की बातें हैं, और हमें इन्हें स्वीकार करना है। इसी से हम अपने सनातन धर्म की रक्षा कर सकते हैं, इसी से हम अपने सनातन धर्म में अच्छी तरह से खुल के जी सकते हैं, जब हम इन सब बातों को स्वीकार करते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, जो इतने शांति के साथ, इतने प्रेम के साथ श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और गुरु और गौरंग को प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथराज भगवद्गीता मात की, कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलयुग आधार हरे कृष्ण महामंत्र की, नित्य लीला प्रवेश भय शरणारविंद भक्ति विदान स्वामी श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कलयुग आधार हरे कृष्ण महामंत्र की। हाँ, डरने की कोई आवश्यकता नहीं, वो बचाएंगे खुद ही। आप उनकी बात तो नहीं कम से कम, धर्मों का अगर हम उसको खत्म करें तो धर्म खत्म हो जाते, ये तो सनातन धर्म है।